Hello dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes, a channel with the aim of simplifying the basic concepts of physiotherapy. आप मेरे playlist को check कर सकते हैं, उसमें मैंने electrotherapy related बहुत सारे videos already upload किए हुए हैं. अन्य कई subjects के video भी upload किए हुए हैं. Electrotherapy की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं आपसे electrotherapy के एक बहुत ही important और basic topic hydrocollateral unit की बात करने वाली हूँ. हाइड्रोकोलेटरल पैड्स को कॉमनली मॉइस्ट हीट कहा जाता है और इसके माध्यम से हम अपने पेशेंट को मॉइस्ट हीट अप्लाई करते हैं. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हाइड्रोकोलेटरल यूनिट के बारे में. आप देख सकते हैं ये है एक हाइड्रोकोलेटरल यूनिट. ओके, मॉइस्ट हीट यूनिट भी कहा जाता है इसे. ये एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर है या फिर हीटिंग यूनिट है और बहुत जरूरी है कि इसे पीरियडिकली क्लीन किया जाए. इसके अंदर पानी रखा होता है टिल इट्स 3/4 लेवल, या फिर आप कह सकते हैं स्लाइटली ओवर द टॉप्स ऑफ पैक्स, मतलब जो भी इसमें हाइड्रोकोलेटर पैक्स रखे होंगे ऑन द डिवाइडर रैक्स उसके ऊपर तक पानी होना जरूरी होता है. इसमें एक प्लग होता है जिसे कनेक्ट किया जाता है टू द एसी मेंस और ऑन एंड ऑफ स्विच होता है. जब भी आप ऑन करेंगे इसके आगे आप थर्मल रेगुलेटर या थर्मोस्टैट के थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और जरूरी होता है कि इसके अंदर जो भी पानी है उसे 75-80 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए. ये देखिए ये होते हैं हाइड्रोकोलेटर पैक्स जो कि डिवाइडर रैक्स में सपोर्टेड होते हैं हाइड्रोकोलेटर यूनिट्स के अंदर. और इसके अंदर सिलिकेट जेल होता है, फॉर एग्जांपल बेंटोनाइट, जो कि एक कॉटन या नाइलन फैब्रिक कैनवस के अंदर बंधा होता है या फिर उसके अंदर कंटेंट होता है और ये जेल एब्जॉर्ब कर सकते हैं बहुत सारे पानी को जब भी पानी गर्म रहता है उस दौरान, और इसकी वजह से एक कंसिडरेबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी बन जाते हैं ये. हाइड्रोकोलेटर पैक्स अलग अलग साइज में मिलते हैं टू फिट डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, और नेक एरिया के लिए एक स्पेशल कॉलर पैटर्न का पैक भी मिलता है. आप देख सकते हैं ये रहा नेक के लिए जो भी हाइड्रोकोलेटर पैक है. छोटे पैक्स छोटे एरियाज में आप दे सकते हैं, बड़ा पैक आप फॉर एग्जाम्पल बैक में दे सकते हैं. इन पैक्स को थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल कैबिनेट्स में रखा जाता है जैसा मैंने कहा, जहाँ पे वाटर को 75-80 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया जाता है. जब भी इन हाइड्रोकोलेटर पैक्स को यूज किया जाए तो कुछ बातों का ध्यान एक फिजियोथेरेपिस्ट को रखना चाहिए. पहली बात ये कि एक कॉपलिंग मीडिया की जरूरत होगी इनके और पेशेंट्स के बीच, मतलब आप डायरेक्टली इन पैक्स को गर्म पानी से उठा के तो पेशेंट को नहीं दे सकते. सो टावलिंग की जरूरत होती है जो कि एक कॉपलिंग मीडिया की तरह काम करता है, मतलब उसके थ्रू होते हुए हीट पेशेंट के बॉडी तक जाएगा. दूसरी बात है जब ये मशीन बंद है, फॉर एग्जांपल सुबह आपने जब ऑन किया तो इट रिक्वायर्स अराउंड 2 आवर्स टू गेट कम्प्लीटली हीटेड अप, और उसके आगे रीहीट करने के लिए ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा. और अक्सर राउंडेड कॉन्टूर वाले एरिया, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर के ऊपर देना ये इतना फीजिबल नहीं रहता. फ्लैट एरियाज में देना ईजी रहता है, पर हाँ नेक के लिए एक स्पेशली डिजाइंड हॉट वाटर पैक या फिर जो भी हाइड्रोकोलेटर पैक का एक डिज़ाइन आता है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है. और ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट तक ये जो मॉइस्ट हीट है वो रिटेन होता है, मतलब पेशेंट को तब तक हीट मिलता है. अब बात करते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन की. अन्य सारे इलेक्ट्रोथेरापेटिक मोडालिटी की तरह ही यहाँ पे आपको पहले पेशेंट की प्रिपरेशन करनी होगी. पेशेंट को इस ट्रीटमेंट के बारे में बताना होगा, जिस एरिया में ट्रीटमेंट आप देने वाले हैं वहाँ पे उसको एक्सपोज करके आपको चेक करना होगा कि लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस या फिर जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ है क्या. थर्मल सेंसिटिविटी पेशेंट की चेक करनी होगी, मतलब पेशेंट के आँख को बंद करने के लिए हम कहेंगे और फिर कोल्ड या हॉट टेस्ट ट्यूब से उनके स्किन को टच करेंगे और उनको पूछेंगे कि उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, कि उनको किस तरीके का सेंसेशन मिल रहा है. ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टिश्यू डैमेज होने का खतरा रहता है. इसके आगे हमें एपरेटस को भी प्रिपेयर करना होगा. उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस हाइड्रोकोलेटर यूनिट को खोलना होगा, एक फोर्सेप की मदद से हाइड्रोकोलेटर पैक को उठाकर एक टॉवल में रैप करना होगा और फिर इसे एक मैकिंटॉश या इंसुलेटिंग प्लास्टिक शीट से कवर करना होगा. नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन. सो द हॉट पैक्स आर रैप्ड इन टॉवलिंग, मतलब इन पैक्स को हम टॉवल्स में रैप करेंगे. 6 से 8 लेयर का ये टॉवलिंग अप्लाई किया जाता है डिपेंडिंग ऑन आपके टॉवल का थिकनेस कितना है. सो पैक और स्किन के बीच ये जो इंसुलेशन ये या फिर आप इसे कॉपलिंग मीडिया भी कह सकते हैं ये
रहना चाहिए। और याद रखिए ये जो टॉवल्स है ये हमेशा ड्राई टॉवल्स आपको हर दूसरे पेशेंट के लिए लेने होंगे। इससे क्या होगा, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड होगा बिकॉज ऑफ द एयर इन द टॉवलिंग, सो दैट अगर पैक 75 डिग्रीज पे है जो स्किन टेम्परेचर है वो 42 डिग्री के ऊपर राइज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टॉवलिंग। सो जो भी हीट होगा इस हाइड्रोकोलाइटर पैक में वहाँ से आपके पेशेंट के बॉडी तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और इस दौरान पैक का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, लेकिन जो भी टॉवलिंग है और पैक के अराउंड वो प्रिवेंट करता है स्किन के सरफेस को फ्रॉम लूजिंग हीट सो दैट द स्किन एंड सुपरफिशियल टिश्यू टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग। और इसकी वजह से जो भी हीटिंग के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आपके पेशेंट को मिलने वाले हैं। पेशेंट के बॉडी पार्ट के नीचे आपको एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक शीट या फिर मैकिनटॉश का यूटिलाइजेशन करना चाहिए सो दैट जो भी काउच है वो गीला ना हो। हाइड्रोकोलाइटर पैक्स के कई थेरेप्यूटिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो आपके पेशेंट के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। हीटिंग की वजह से वैसोडाइलेटेशन होता है, इसकी वजह से सेल मेटाबॉलिज्म और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग प्रोमोट होता है। थर्मोरिसेप्टर्स की एक्टिविटी बढ़ती है, इससे काउंटर इरिटेशन इफेक्ट मिलता है, वो भी सिडेशन या रिलैक्सेशन करता है जिससे दर्द में कमी आती है और रिलैक्सेशन बढ़ता है। तीसरी बात है कि जॉइंट विस्कोसिटी कम होती है, इससे क्या होता है इंट्रा आर्टिकुलर फ्लूइड गर्म होता है और जॉइंट की स्टिफनेस भी कुछ हद तक रिड्यूस होती है। रिफ्लेक्स वैसोडाइलेटेशन की वजह से रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो स्किन और ब्लड वेसल्स में वो बढ़ता है क्योंकि बॉडी को आप हीट दे रहे हैं, इससे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलीन रिलीज होता है और कोलिनर्जिक फाइबर्स और स्मूथ मसल जो भी ब्लड वेसल के अराउंड है वहां पे ये पहुंचता है और इसी की वजह से ब्लड वेसल्स में डायलिटेशन होता है और इस डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से सर्कुलेशन बढ़ता है और इंक्रीज ब्लड फ्लो के वो सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स एक पेशेंट को मिलते हैं जिसकी वजह से हीलिंग प्रमोट होता है या फिर पेन रिड्यूस होता है। अब बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर थर्मोथेरेपी को यूटिलाइज करने से पहले आप इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को जानें। हाइड्रोकोलाइटर पैक्स आप पेन और जॉइंट स्टिफनेस में दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्रॉमेटिक हैंड इंजरी में दे सकते हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में दे सकते हैं, लो बैक एक में दे सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट पेन में दिया जा सकता है, नेक और शोल्डर पेन में दिया जा सकता है और दूसरे ट्रीटमेंट मोडालिटीज के साथ कंबाइन करके इसे देने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स एक पेशेंट में दिखते हैं। लेकिन यू हैव टू लुक फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑलवेज, फॉर एग्जाम्पल आपको ओपन वूंड्स में नहीं देना चाहिए, इन्फेक्शंस के वक्त नहीं देना चाहिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन या फिर एक्जेमा, सोरियासिस, डिफेक्टिव आर्टेरियल सप्लाई, डिफेक्टिव थर्मल सेंसेशन, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस, सर्कुलेटरी डिसफंक्शन, लैक ऑफ कम्प्रीहेंशन और डीप एक्सरे थेरेपी के आगे जो भी स्किन टिश्यूज डीवाइटलाइज हो जाते हैं तब आपको हाइड्रोकोलाइटर पैक्स नहीं देने चाहिए। और कुछ प्रिकॉशंस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे पैक्स को आपको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब 6 महीने के आसपास तक पैक्स सही ही रहते हैं बट उसके आगे जब वो पुराने हो जाते हैं, वर्न आउट हो जाते हैं, इससे क्या होता है अंदर की सिलिकेट जेल के बाहर आने से पानी जो भी है वो क्लाउडी क्लाउडी सा दिखेगा आपको इस यूनिट के अंदर, तब आपको इन पैक्स को डिस्कार्ड करके नए लाने चाहिए। हर 5 to 7 minutes में आपको पेशेंट को पूछना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही बिकॉज ऑफ दिस हॉट पैक और यू हैव टू चेक फॉर बर्न्स ऑल्सो। हाइड्रोकोलाइटर यूनिट के थ्रू ट्रीटमेंट के कई एडवांटेजेस हैं। ये मशीन काफ़ी लो कॉस्ट का है और इसमें मेंटेनेंस भी काफ़ी मिनिमल होता है। दूसरी बात है ये पेन, मसल स्पैज़म ये सब कम करता है और टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाता है। और इसके आगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रिपरेशन या एप्लीकेशन बहुत ईजी है इस पर्टिकुलर थर्मोथेरेपी मोडालिटी का। इसके अलावा वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होते हैं पैक्स, तो बहुत सारे क्लिनिकल नीड्स के लिए फिट इन कर जाता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एक से ज़्यादा पेशेंट्स को आप एट अ टाइम ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पेशेंट को सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, ना उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है और बस आपको रेगुलर इंटरवल्स में उन्हें पूछना होता है कि हीट उनके लिए थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है। इसे आप कम कर सकते हैं थ्रू अनदर लेयर ऑफ टॉवलिंग। इसके अलावा मॉइस्ट हीट का बहुत ज़्यादा सेडेटिव इफेक्ट होता है देन ड्राई हीट, तो ये एक और एडवांटेज है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड्स के कंपैरिजन में मॉइस्ट हीट पैड्स का जो हीटिंग होता है वो काफ़ी यूनिफॉर्म भी होता है।
लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है. एक बार आपने जो टेम्परेचर पे पैक्स पेशेंट को दे दिया, इसके आगे आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हीट लगा तो आप एक और लेयर ऑफ टावलिंग से इसे कम ज़रूर कर सकते हैं, बट एज सच बाकी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी की तरह इंटेंसिटी कंट्रोल यहाँ पे आप एक बार पेशेंट को एप्लीकेशन करने के बाद नहीं कर सकते. इसके अलावा इनसफिशियंट टावलिंग की वजह से पेशेंट को बर्न भी हो सकता है. कुछ पेशेंट के केस में स्किन रैशेज भी दिखते हैं और एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रोकोलेटर यूनिट. ऐसे ही आगे भी मैं आपसे इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी ऐसे बेसिक सब्जेक्ट ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बातें करती रहूंगी. मेरे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने ना किया हो. Thank you so much. See you soon. Till then, take good care.